हाय गाइस, दिस इज अनिकेत बसवानी फ्रॉम शेर खान। मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूँ और BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस का ओनर हूँ। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि शेर खान का मोबाइल ऐप है, उसमें इंट्राडे ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच में आप निफ्टी के टॉप 50 जो स्टॉक्स होते हैं, करंट प्राइस क्या चल रही है, कितना परसेंटेज चेंज है आज का, सब आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं ट्रेड करने के लिए। ट्रेड कोड पे क्लिक करें। इस पे आने के बाद सपोज ये सर्च का जो आपको ऑप्शन दिखा रहा है, सर्च स्क्रिप्ट, उसमें सपोज मेरे को आज इंटरेस्ट है टाइटन में, तो मैं टाइटन लगा दिया। टाइटन सर्च करके टाइटन आया। अब समझो मेरे को बाय करना है, तो मैं क्लिक करूंगा बाय पे। अब ध्यान ये रखना है, इंट्राडे ऑर्डर कर रहे हैं हम, तो बाय पे सिर्फ नहीं कर सकते, हमको बाय बिग ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बाय करेंगे तो वो डिलीवरी के लिए हो जाएगा, उसमें ज्यादा मार्जिन बनना पड़ेगा। बाय बिग ट्रेड करेंगे ना, तो आप 10,000 रुपए होंगे आपके पास, तो आप 1,00,000 रुपए का माल उठा सकते हो। 1,000 होगा तो 10,000 का माल उठा सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कवर कर देना है बाजू में, नॉर्मल होगा उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना। आप क्वांटिटी में अगर आप 1 रखते हो तो डिस्क्लोज में 0। इस क्वांटिटी का जितना भी आप रखते हो ना, उसका 10% क्वांटिटी आपको डिस्क्लोज क्वांटिटी में मेंशन करना पड़ता है। सिर्फ डिस्क्लोज क्वांटिटी कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेंशन होता है। लाइक अगर आप 500 क्वांटिटी क्वांटिटी में रख रहे हो, तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में उसका 10% यानी कि 50 आपको लिखना चाहिए। मतलब ये सिर्फ लिखना होता है बस, और कुछ नहीं है। अब प्राइस में आप 0 रख देते हो तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आपका बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं भाई, मेरे को तो 1590 पे ही खरीदना है, तो आप 1590 का ऑर्डर लगा के, बिड लगा के प्लेस करके छोड़ सकते हैं। अब नीचे है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट यानी कि होता है टारगेट। अब आपने 1590 पे आपका बाय हो गया, अब आप बोल रहे हो 1615 पे निकल जाऊंगा, प्रॉफिट मेरा। ठीक है, और स्टॉप लॉस भी है इसमें। स्टॉप लॉस यानी नीचे जाए तो मैं, इतना नीचे जाए तो मैं निकल जाऊं, एग्जिट हो जाऊं स्टॉक में से, तो ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा अगर वो प्राइस आएगी तो, और अगर टारगेट आएगा तो ऑटोमेटिक टारगेट बुक करके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। क्वांटिटी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर ली, जितनी आपको इच्छा है प्लेस ऑर्डर करके कंफर्म कर देने का। तो ये कंफर्म होने के बाद आपको बाहर ऑर्डर बुक में ये पूरा दिखाएगा। गाइस अभी तो मार्केट बंद है इसलिए ये आफ्टर आवर दिखा रहा है, लेकिन अगर मार्केट ओपन होता है तो ये यहाँ पे फुली एग्जीक्यूटेड दिखा देता। अगर फुली एग्जीक्यूटेड नहीं दिखा रहा है, यानी कि आपने जो बिड प्राइस लगाई है वो नहीं आई है। ठीक है, अब इसमें ये आपका सपोज फुली एग्जीक्यूटेड हो गया, अब आपको देखना है कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट क्या चल रहा है। तो नेट पोजीशन में जाइए, नेट पोजीशन में आपको दिखाएगा कि आपका प्रॉफिट क्या चल रहा है। ठीक है, और अब ये अगर अब टाइम ऐसा आया, अब 3 बजे 3 बज चुके हैं, आपका टारगेट अभी तक आया नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मेरा टारगेट थोड़ा नीचे करना है, ताकि 1615 तो नहीं आएगा, लेकिन मैं, हो सकता है 1610 आ जाएगा, तो मैं 1610 लगा देता हूँ, तो मैं नीचे 1615 को चेंज कर दूंगा, 1610 कर दूंगा, जैसे अभी मैं आपको, आपके सामने स्क्रीन पे कर रहा हूँ 1610। तो ऐसे मैं अपने टारगेट भी मॉडिफाई कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 बजे के पहले आप कुछ भी करके एग्जिट कर लो, क्योंकि 3 बजे के बाद आप, ये इंट्राडे ऑर्डर है इसलिए आप 3 बजे के बाद इसको मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब सपोज आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो उसको। देखो जैसे मैंने आपके सामने किया कैंसिल, कि भाई सपोज आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेड करने जैसा नहीं है, मैंने गलत स्टॉक कर लिया, कुछ भी कोई भी रीजन है, आपको ट्रेड कैंसिल करना है, आपको उस पर क्लिक करना है, कैंसिल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा तो कैंसिल हो जाएगा, अगर एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो फिर तो आप सिर्फ मॉडिफाई करके उसमें से एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। डीपी डीपी होल्डिंग में आपका वो स्टॉक्स दिखाता है जो आपने डिलीवरी में लेके रखे हो, एक दिन से ज्यादा के लिए लेके रखे हो, तो आप मार्केट वॉच में जाके सारे स्टॉक्स में से अगर आपको जो भी पसंद है आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मेन फंडा है कि आप, मेन बेनिफिट ये है ऐप में कि आप चार्ट्स देख के भी ट्रेड कर सकते हैं। हमारे शेर खान मोबाइल में चार्ट्स बहुत अच्छा है, हाईली डेवलप्ड है, इसमें आप चार्ट्स देख के कर सकते हैं। लाइक अभी आप जैसे देख रहे हैं, मैं चार्ट देख रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये प्राइस नीचे से बार बार उसी पोजीशन पे आके रुक रही है। लाइक जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रुक रही है, यहाँ पे रुक रही है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार यहाँ पे आके रुक जाती है, तो चांसेस है कि ये वापस ऊपर चली जाए प्राइस। ऐसे आप अंदाजा लगा के, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके आप ये सब ट्रेड कर सकते हैं, और आप, आपको अगर कोई रेकमेंड करता है तो आप उस पर भी कर सकते हैं।
सो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं शेर खान के मोबाइल ऐप में। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इंट्राडे अगर कर रहे हैं ना तो आपको 10 times मार्जिन मिलेगा, यानी आपके पास अगर 1000 रुपए हैं सपोज, तो आप 10,000 का माल उठा सकते हैं, 10,000 है तो आप 1,00,000 रुपए का माल उठा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से ही बाय करिएगा, आपके पास जितना अवेलेबल हो उस हिसाब से ही बाय करिएगा या सेल करिएगा। सो गाइस यही था शेर खान का मोबाइल ऐप, काफ़ी इजी है, काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, आप थोड़ा टाइम यूज़ करेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। मेरे अंडर में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके मेरे स्टॉक रिकमेंडेशंस और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का आप कोर्स ट्रेनिंग जो भी आप कहिए वो आप पा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रोजाना मैं स्टॉक रिकमेंड करूंगा कि आज ये बाय करने जैसा, ये सेल करने जैसा, बट एट योर ओन रिस्क आपको ट्रेड करना है उस पर, ठीक है। तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कि आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल जो भी करना चाहे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा।